बर्डशाह कंबल ओढ़े सो रहा था और रेमन चुप करके बैठी थी। हमें देखकर उसने पहले तो तवज्जो नहीं दी, फिर चौंक कर उठी और लपक कर मेरे पास आ गई। शोबास, उसने पुरजोश लहजे में मेरे नाम की मिट्टी पलीद की, तुम यहां कैसे? तुम भूल रही हो, मैंने बताया था कि मैं राजा का मेहमान हूं। मैंने उसे याद दिला, शोबास प्लीज तुम राजा से कहो हमें जाने दें। मैंने पापा को राजी कर लिया था, वो अब राजा से नहीं उलझेंगे। राजा ने बिला वजह हमें पकड़वा दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि राजा तुम्हारे पापा को माफ कर दे और तुम्हें जाने दे, मैंने कहा। थैंक यू, वो खुश होकर बोली। मुझे यकीन है राजा तुम्हारी बात मान लेगा। वो अमली तौर पर शुक्रिया अदा करने के लिए आगे आई तो मैं बौखला कर पीछे हटा। ठीक है लड़के, इस नादान लड़की को बेवकूफ मत बनाओ, बर्डशाह की आवाज आई। वो कंबल छोड़कर बिस्तर से उतराया था। इसके उठते ही बेग ने बेहद फुर्ती से अपने चुगे से एक कदर रिवाल्वर निकाल लिया, मगर बर्डशाह इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर मेरे करीब आया। राजा उमड़ दराज हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, मैंने बेग की तरफ कन्नकियों से देखा। वो हमारी गुफ्तगू से बेनियाज नजर आ रहा था। अगरचे मुझे 100% यकीन नहीं था कि बेग अंग्रेजी से नाबलद है, उर्दू इतनी अच्छी बोलता था तो अंग्रेजी भी जान सकता था, लेकिन मुझे खतरा मोल लेना था। मुमकिन है मुझे दोबारा मौका ना मिलता। वो कैसे नौजवान? बर्डशाह ने तंजिया लहजे में पूछा। फतेह खान ने पूछा है कि स्यार डिब्बा कहाँ है। इस सवाल के जवाब पर तुम लोगों के यहां से निकलने का इन्हिसार है। फतेह खान के नाम पर वो चौंका और स्यार डिब्बे के जिक्र पर मानी के अंदाज में मुस्कुराने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, बेग चमक कर बोला, तुमने फतेह खान का नाम क्यों लिया है? मैं इसे कह रहा हूं कि फतेह खान को खरीद कर वो इस गलत फहमी में मुबतला हो गया था कि राजा साहब के महल में नकब लगा सकेगा। शहबाज साहब बस आप चलें, राजा साहब ने ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं दी है। आपकी तसल्ली हो गई होगी, उसने बेरुखी से कहा। बस एक मिनट, मैंने कहा और अब जाहिर है एमन से मुखातिब हुआ, मुझे जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो, मैं अब नहीं रुक सकता। बर्डशाह कुछ देर तोलने वाली नजरों से मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। इसे कह देना स्यार डिब्बा मेरे पास है। ये क्या बकरा है? बेग ने एक बार फिर मशकूक लहजे में पूछा। अपनी बेगुनाही पर इसरार कर रहा है, मैंने जवाब दिया। बेगुनाही? बेग तलखी से बोला। इस शख्स ने साजिशों का जुजाल फैलाया, इसमें उलझकर कई अफराद की जान जा चुकी है। शीना और इस महल के दो मुहाफिज तुम्हारे सामने मारे जा चुके हैं। ये शख्स किस मुंह से खुद को बेगुनाह कहता है? फिलहाल तो इसी मुंह से कह रहा है, मैं निशाने उचकाए और एमन से बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहां से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। नौजवान, अपने कद से ऊंची बात मत करो, बर्डशाह कहता। वो दोबारा बिस्तर पर जा लेटा। पप्पा की बात का बुरा मत मनाना, एमन ने मुआजरत की थी। सेक्टी बेग कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद लग रहा था, इसलिए मैंने एमन को खुदा हाफिज कहा और बेग के साथ बाहर आ गया। हमारे बाहर निकलती मुहाफिज ने दरवाजा लॉक कर दिया था। सेक्टी बेग बरहम नजर आ रहा था। आपको इनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, सिर्फ खैरियत पूछ रहा था। ये राजा साहब के दुश्मन हैं, इनसे ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं होगा, वो कराहियत से बोला। मैंने चुप रहने में आफियत समझी। बेग बहुत अय्यार आदमी था, वो मुझ पर शक कर सकता था और अगर उसे शक हो जाता तो वो मुझ पर निगरानी लगा सकता था। वो मुझे वापस राजा उमर दराज के पास लाया और उसे रिपोर्ट दी। राजा खामोशी से सुनता रहा, फिर उसने मुझसे कहा, शहबाज तुमने बर्डशाह से क्या बात की थी? मैंने उसे भी वही बताया। उसने सर हिलाया, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए भेजा था, लेकिन ये मत भूलो कि बर्डशाह मेरा दुश्मन है। इसकी बेटी से तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो अपने बाप को समझा बुझाकर वापस ले जा रही थी। बर्डशाह ने आपके नवादरात का ख्याल दिल से निकाल दिया है, आप इन्हें मुआफ करके जाने थे, मैंने आजी से दरख्वास्त की। राजा उमर दराज मुस्कुराया। तुम और वह लड़की एमन अभी बच्चे हो, बर्डशाह जैसा मक्कार इतनी आसानी से मान जाए मैं मान ही नहीं सकता। उसे इन नवादरात के लिए अपनी औलाद भी कुर्बान करनी पड़ी ना, तो वह हंसी खुशी कर देखा। इस किस्म के कामों में अपनी औलाद को कौन मुलविस करता है? इसके बावजूद बर्डशाह अपनी लड़की को लेकर आया। बात यह है बरखुददार, इन नवादरात को हासिल करना इसके खानदान के आना का मसला है, वो फिर कोशिश करेगा, और ये उसकी पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार इन चीजों को हासिल करने की कोशिश कर चुका है। एक बार उसने मुझसे बराह रास्त रब्ता करके इन चीजों की मुमांगी कीमत देने को कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जनाब मुझे नहीं मालूम इन चीजों की अहमियत क्या है, आप मेहरबानी करके मुझे जाने दें, मैं अपने रिस्क पर चला जाता हूं, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो आप पर इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। यह मुमकिन नहीं है बरखुददार, वो लोग तुम्हें यरगमाल बनाकर मुझसे मुतालबा करेंगे और मैं पहले की तरह इनका मुतालबा मानने पर मजबूर हो जाऊंगा। शीना को छोड़ना बर्डशाह को रिहा करने की निस्बत मुश्किल फैसला था, क्योंकि वो वादी के रस्म रवाज और कानून की मुजरिम थी। बर्डशाह सिर्फ मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। जब तक मैं इसका फैसला नहीं कर लेता तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा।
इस महल की हद में तुम आजाद हो, लेकिन सिर्फ दिन में मैंने भी साख्ता कहा। खार रात की पाबंदी मैंने फतेह खान की वजह से लगाई है। इस महल के खुफिया रास्तों से वाकिफ है और रात को खतरे की वजह से सिवाय मुहाफजों के कोई बाहर नहीं रह सकता है। तुम्हारा तो वो वैसे ही जानी दुश्मन है। मैं चुप रहा। उसे कैसे बताता कि रात की तारीकी में फतेह खान आजादाना महल में आया था और उसने मुझसे मुलाकात की थी। महल में उसके वफादार थे। एक आत्मा को तो मैं जानता था और न जाने कौन कौन था जिसे मैं जानता भी नहीं था। मुझे राजो उम्र दराज की खुशफहमी पर तरस आने लगा। वो अपने महल को महफूज समझता था, हालांकि यहाँ आने के ऐसे चोर रास्ते भी थे जिनसे वो खुद भी वाकिफ नहीं था। इसके आदमी जिन पर वो पूरी तरह भरोसा करता था वो उससे गद्दारी कर रहे थे। बहरहाल उसने जिस कतील लहजे में मुझे जाने की इजाजत देने से इनकार किया था, मेरे अंदर खदशात बढ़ने लगे थे। कमरे में वापस आकर मैं खासी देर तक जागता रहा। मेरा ख्याल था कि खादमा मुझसे फतेह खान के सवाल का जवाब लेने आएगी। वो मुझे राजा उमर दराज के साथ देख चुकी थी और मुमकिन है बर्ड शाह और एमन से मुलाकात भी उसकी नजर में हो, मगर वो नहीं आई। नींद आई और मैं सो गया। सुबह उठकर दूसरे मामूलात और नाश्ते से फारिग होकर मैंने बाहर बाग का रुख किया। आई राजा उमर दराज चबूतरे पर नजर आ रहा था। सेक्रेटरी बेग उसके पास था। मैं चबूतरे की तरफ बढ़ा तो वो उजलत में लपक कर नीचे आया। जनाब, राजा साहब इस वक्त किसी मामले में सोच रहे हैं और ऐसे वक्त किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते। मेहरबानी फरमा कर आप कुछ इंतजार करें। नो प्रॉब्लम, मैंने कहा। क्या फरमाया? वो बोला और फिर शिकवा किया। आप अक्सर अंग्रेजी बोल जाते हैं, आदत पड़ गई है। माजरत के साथ, मेरा मतलब है कोई मसला नहीं है, मैं भी सिर्फ सलाम करने जा रहा था। जब राजा साहब फारिग होंगे तो आपको बुला लेंगे। क्या बर्ड शाह के बारे में? मैंने पूछना चाहा। राजा साहब अपने मामलात किसी को नहीं बताते, बेग ने मेरी बात काटी। इधर बराहे करम अब यह नाम दोबारा जुबान पर मत लाइएगा। मुझे भी मामले की नजाकत का एहसास हुआ। बर्ड शाह राजा का दुश्मन ही नहीं था, इसके लिए बहुत बड़ा मसला भी था। मुझे इस मामले में जुबान खोलते हुए मोहतात रहना था। मैं बेग के साथ फूलों के तख्तों के दरमियान टहलता रहा था। वक्फे वक्फे में राजा की तरफ देखता था। शुरू में जो बेतकल्लुफी दिखाई थी वो अब उसके अंदाज में नजर नहीं आती थी। मेरे लिए वो सचमुच का राजा बन गया था। आखिर बेग पलट कर आया। राजा साहब याद फरमा रहे हैं। राजा उमर दराज इस वक्त बहुत संजीदा था। उसने इशारे से मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। मैं खामोशी से बैठ गया। राजा सर झुकाए, किसी सोच में गुम था। बेग उसे जरा फासले पर खड़ा था। खासी देर बाद राजा ने सर उठाया। शहबाज, मामलात खराब हो रहे हैं। मैंने बर्ड शाह और उसकी बेटी को यहां से मुंतकिल करने का फैसला किया है। जी, मैंने कहा। मेरी समझ में नहीं आया कि वो ये बात मुझे क्यों बता रहा था। तुम भी इनके साथ जाओगे, राजा ने मेरी उलझन भांप कर कहा। मैं चौंका। वो क्यों राजा साहब? मुझे इतला मिली इस बार पुलिस सर्च वारंट के साथ आएगी और अगर तुम्हें देखा तो बाद में भी परेशान कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा भी महल से जाना जरूरी है। आप मुझे कहां भेजना चाहते हैं? मैं फिक्रमंद हो गया था। अगर राजा उमर दराज हमें कहीं और भेज देता तो फतेह खान का मनसूबा धरा रह जाता। एक महफूज जगह है, राजा उमर दराज बोला, वहां तुम और मेरे कैदी आराम से रहोगे। राजा उमर दराज फैसला कर चुका था। बर्शा तो उसका ऐलानिया कैदी था, मैं गैर ऐलान शुदा कैदी था जिसे बाद मरात और मेहमानों का सताम कायम हासिल था। मैं सिर्फ दबे अंदाज में एहतजाज कर सकता था, इसके सामने वाजे तौर पर इनकार नहीं कर सकता था। हमें कब जाना होगा? मैंने भी बसी से पूछा। किसी भी वक्त, राजा के बजाय बेग ने कहा था। आप तैयार रहें जहनी तौर पर। राजा ने मुझे अपने साथ कहवा पिलाया और खासी देर तक मुशफकाना अंदाज में गुफ्तगू करता रहा, लेकिन मैं उसके अंदाज में साफ तौर पर मसनूईपन महसूस कर रहा था। शायद वो भी मेरी तरह उलझन का शिकार था। अगर मैं खुलकर जाने का मुतालबा कर देता तो उसे मजबूरन मुझे भी बर्ड शाह की तरह कैद करना पड़ता। इतना तो मैं भी जान गया था कि वो मुझे किसी सूरत जाने की इजाजत नहीं देगा। कुछ देर बाद राजा उमर दराज उठकर अंदर चला गया और मैंने मेहमान खाने का रुख किया। फतेह खान को इस तब्दीली से आगाह करना जरूरी था और इस रबते का वाहिद जरिया खादमा थी, मगर वो कभी मुझे मेहमान खाने या महल से बाहर भी नजर नहीं आई थी। मेहमान खाने में अपने कमरे में आकर मैं कुछ देर मुजतरिबाना अंदाज में कमरे के चक्कर लगाता रहा। फिर मैंने महल में जाने का फैसला कर लिया। मुमकिन है राजा ने मुझ पर से महल में जाने की पाबंदी उठा ली हो। खुशकिस्मती से मेहमान खाने के मुहाफिज ने मुझे महल में जाने से नहीं रोका। इसका मतलब था कि मुझसे पाबंदी उठा ली गई थी। महल के निचले हिस्से में सब कुछ मेरा देखा भाला था। मैंने सबसे पहले किचन और तामगाह कर रुख किया। खादमा के वहां पाए जाने के इम्कान थे, मगर वहां बावर्ची और इसके मददगार के अलावा कोई नहीं था जो दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ थे। इनसे बात करना बेकार था क्योंकि सिवाय मकामी जुबान के और कोई जुबान नहीं जानते थे। मैंने इशारे से चाय का कहा। बावर्ची के नायब ने फौरी तौर पर चाय के लिए पानी रख दिया।
बावर्ची खाने से निकलकर मैं निशिस्त गाहों वाले हिस्से में आया। यहाँ कई किस्म की निशिस्त गाहें थी, बस बाहर से आने वालों के लिए थी और एक सिर्फ राजा और उसके खास मेहमानों के लिए मखसूस थी। इस निशिस्त गाह में कल रात उसने मुझे शर्फे बारियाबी बख्शा था। निशिस्त गाहें भी काली थी। जब मैं राजा उमर दराज की खास निशिस्त गाह में झांका तो मुझे एक चादर पोश औरत गुलदान में ताजा फूल रखती नजर आई। इसका चेहरा नुमाया नहीं था। मैं अंदर दाखिल हुआ और आहिस्ता से खनकारा तो वो पुरती से मुड़ी थी। मैंने सुकून का सांस लिया, वो खादमा ही थी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता उसने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और फिर एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहां कोई था और मेरा बोलना नामुनासिब होता। वो तेजी से मेरे पास आई और सरगोशी में बोली, अभी जाओ, हम तुम्हारे कमरे में आता। कब तक? मुझे जरूरी बात करनी है, मैंने भी सरगोशी में कहा। हमको मालूम है, वो फतेह खान की तरह गुलाबी उर्दू बोल रही थी। शुरू में मुझे उसके बारे में शुबा हुआ था कि वो गूंगी है या उर्दू नहीं जानती, मगर उसकी बातों से लग रहा था कि उसे अच्छी खासी उर्दू आती है। अब तुम जाओ, उसने मुझे धकेला। वो मेरे इतने नजदीक आ गई थी कि मैं उसकी महक के साथ उसके होश शुरबा वजूद की गर्मी भी महसूस कर सकता था। देर मत करना, ऐसा ना हो राजा मुझे कहीं और भेज दे, मैंने आहिस्ता से कहा और जल्दी से वहां से निकल आया। बावर्ची खाने में जाने के बजाय मैंने मेहमान खाने का रुख किया था, कोई मेरे लिए चाय रख के आया था। मैंने गर्म केतली से चाय कप में डालकर बनाई और उसके सिप लेते हुए खादमा का इंतजार करने लगा। मेरा ख्याल था कि वो जल्द आएगी, मगर दो कप चाय पीने और एक घंटे तक इंतजार करने के बावजूद वो नहीं आई थी। इसके बजाय दोपहर का खाना आ गया था, मुझे भूख नहीं थी। इसके बावजूद मैंने खाना खा लिया कि न जाने आगे क्या हालात पेश आए और अगला खाना कब नसीब हो, या मुझे भी बढ़ शाह कैमरा किसी अकूबत खाने में डाल दिया जाए जहाँ खाने में सिर्फ गालियां और मार हो। मुलाजिम खाना देकर चला गया था और बर्तन लेने खादमा आई थी। मेरे सामने से बर्तन समेटते हुए उसने आहिस्ता से कहा, तुम क्या बोलता है? फतेह खान से कहना कि मुझे और बर्दशाह को इसकी बेटी समेत महल से कहीं और भेजा जा रहा है, आज जाना है और किसी वक्त भी रवानगी हो सकती है। हम बता देखा, उसने बगैर किसी तासुर के कहा और बर्तन लेकर चली गई। मैंने उसकी किस्मत पर अफसोस किया, वो इस काबिल थी कि किसी महल में रानी होती, लेकिन वो राजा उमर दराज के महल में महज एक खादमा थी। बहरहाल मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता था, और वो भी चंद लम्हे के लिए, क्योंकि मुझे अपनी पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद मुझे न जाने कहां भेजा जाने वाला था। खादमा के जाने के कोई घंटा भर बाद राजा उमर दराज की तरफ से बुलावा आ गया था। वो अपनी मखसूस निशिस्त गाह में मौजूद था और उसके लिबास से लग रहा था कि वो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार है। उसने मुझे देखते ही कहा, बरखुरदार तैयार हो जाओ, हमें चलना है। मेरा सामान, इसकी फिक्र मत करो, अब तक पहुंच चुका होगा। राजा उमर दराज मुझे लेकर निकला, इसके साथ एक मुहाफिज भी था। एक जगह रुककर राजा ने मुहाफिज से कुछ कहा और मुझसे बोला, बरखुदार मुझे अफसोस है, आगे चलने से पहले तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बंधवानी पड़ेगी। यानी आप नहीं चाहते कि मैं इस रास्ते को देखूं जिससे हम जाएंगे? तुम जहीन आदमी हो, राजा बोला, और उसके इशारे पर मुहाफिज ने मेरी आंखों पर एक रुमाल बांध दिया जिससे निस्वार की बू आ रही थी। वही मेरा हाथ थाम कर चलने लगा। मैंने अपने पैरों तले ढलानी रास्ता महसूस किया, यहाँ घुटन सी थी जैसे हम किसी बंद जगह से गुजर रहे हों। कुछ देर बाद मुझे हैवानी बू महसूस हुई थी और फिर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। मुहाफिज ने सहारा देकर मुझे घोड़े पर सवार कराया और घोड़ा चलने लगा। टापू की गूंज से ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सुरंग में सफर कर रहे हैं, और सफर करने वाले कई थे क्योंकि ज्यादा टापों की आवाज मेरे समातों तक आ रही थी। कुछ 10 मिनट तक घोड़े इसी तरह चलते रहे। मुझे ताज्जुब होने लगा, अगर यह सुरंग ही थी तो कितनी तवील थी। मेरा अंदाजा था कि हमने इस तरह चलते चलते कोई 1 मील का फासला तय किया था। फिर घोड़े रुके और मैंने पत्थर सिरकने जैसी आवाज सुनी। मुहाफिज ने मुझे नीचे उतरने को कहा और फिर मेरा बाजू थाम कर चलने लगा। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि हम खुली फिजा में आ गए हैं। दरख्तों की महक आ रही थी, लेकिन मुहाफिज ने रुकने या मुझे पट्टी उतारने की इजाजत नहीं थी। फिर मैंने राजा उमर दराज की आवाज सुनी, इनकी पट्टियां उतार दो। पट्टी उतरते ही एक लम्हे के लिए मेरी आंखें चुंधिया गई थी। रफ्ता रफ्ता मैं दिन की तेज रोशनी का आदि होने लगा। एक खुली जगह हम 6 अफराद थे, यानी मैं, राजा उमर दराज, बर्दशाह, एमन और 2 अदद मुसल्ला मुहाफिज। इनमें से एक चौकस खड़ा था और दूसरा 6 अदद घोड़े ला रहा था। मैंने पहली बार देखा, एमन और बर्दशाह के मुंह टेप चिपका कर बंद कर दिए गए थे और इनके हाथ सामने की तरफ रस्सी से बंधे हुए थे, और इस रस्सी का एक सिरा इनके बाएं पैरों में घुटनों से जरा नीचे इस तरह बंधा था कि वो मुंह तक हाथ ले जाकर टेप नहीं उतार सकते थे। ये काम वो सिर्फ बैठ कर कर सकते थे, मगर इन्हें बैठने की इजाजत नहीं थी। एक मुसल्ला मुहाफिज इनके सरों पर मुसल्लित था। घोड़े आते ही मुहाफिजों ने इन्हें घोड़ों पर बिठाया, फिर हम सब भी सवार हुए।
राजा उम्रदराज का घोड़ा सबसे आगे था, इसके पीछे एक मुहाफिज था, इसके बाद मैं और मेरे अक्कम में बादशाह और ऐमन थे, जबकि एक मुहाफिज अक्कम में था। मैंने देखा हम एक ढलान पर खड़े थे। सूरज के रुख से मैंने अंदाजा लगाया कि राजा का महल इस पहाड़ के दूसरी तरफ था और हम सुरंग से गुजर कर बराह रास्त इस तरफ आ गए थे। राजा के महल से आने वाला यह रास्ता ऐसी जगह निकलता था कि इसके दुश्मन इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। न जाने वो सुरंग कुदरती थी या बनाई गई थी, इम्कान यही था कि सुरंग कुदरती थी, वरना इन सख्त पहाड़ों में सुरंग बनाना और वो भी कोई मील भर बेहद मुश्किल काम था। इस वक्त हम ढलान से उतरकर एक दर्रे में से गुजर रहे थे। सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा था। रास्ता ऐसा नहीं था कि इस पर घोड़े दौड़ाए जा सकते, इसलिए सफर बेहद सुस्त रफ्तारी से ही जारी था। एक घंटे बाद दर्रा अबूर करके हमने एक छोटी सी वादी में कदम रखा जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, बेहद घने जंगल थे। वादी के वस्त में ऊंची घास वाले मैदान में ऊपर बर्फ से पिघल कर आने वाला खुशबूदार पानी बह रहा था। एक बार मैंने घोड़े से उतरकर पानी पिया तो यूं महसूस हुआ जैसे आबे हयात पी लिया हो। इस जैसा पानी मैंने फिर नहीं पिया। सूरज डूबने के करीब था जब हमने वादी से बाहर निकलने वाले दर्रे को अबूर किया। दूर नशीब में घने जंगल से धुआं उठ रहा था। राजा उम्रदराज ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। हमें वहां तक जाना है, तुम थके तो नहीं हो? यह सच था। इतने दिन बाद इतने दुश्वार रास्तों पर घुड़सवारी करने से मेरा जोड़ जोड़ हिल गया था और मेरे लिए सीधा बैठना मुश्किल होता जा रहा था। मेरे मुकाबले में राजा उम्रदराज किसी मुजस्मे की तरह साकित और पुरसकून अंदाज में घोड़े पर बैठा था। इस उम्र में इसका स्टैमिना और जिस्म की मजबूती काबिले रश्क थी। मैंने नफी में सर हिलाते हुए घोड़ा आगे बढ़ाया था कि ऊपर से फायर की आवाज उभरी और मेरे अक्के में मौजूद मुहाफिज चीख मार कर घोड़े से गिर गया। घोड़े भिदक रहे थे और हम इन्हें काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे मुहाफिज ने इससे मत राइफल से फायर किए जिस तरफ से गोली आई थी। ऊपर से फिर गोली चली और मैंने दूसरे मुहाफिज को गोली खाकर गिरते देखा। मैं घोड़े से उतर आया। राजा उम्रदराज परेशान नजरों से चारों तरफ देख रहा था। वो बज़ाहिर गैर मुसल्ला था। बटशार ऐमन दम खुद से साकित बैठते। राजा, मैंने फतेह खान की आवाज सुनी। उसने अपनी जुबान में कुछ कहा। राजा का चेहरा सुर्ख हो गया था। इसने चीख कर जवाब में कुछ इरशाद फरमाया। जाहिर है वो फतेह खान को सख्त सुस्त सुना रहा था। दोनों के दरमियान बुलंद आवाज से तबादला ख्याल जारी रहा था। ऐमन अपना घोड़ा आगे मेरे पास ले आई थी। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? आवाज फतेह खान की लग रही है। ये फतेह खान ही है, लेकिन इनमें क्या गुफ्तगू हो रही है? मैं इतना ही नावाकिफ हूं जितना कि तुम। मैं इनकी जुबान नहीं समझता। मेरा ख्याल है ये दोनों मर गए हैं। ऐमन ने मुहाफ़िज़ों की तरफ देखा। फायरिंग करने वाला यकीनी तौर पर मर चुका था। मैंने इसके सर पर गोली लगते देखी थी। अलबत्ता पहला मुहाफ़िज़ अभी जिंदा था। वह हरकत कर रहा था। शायद उसे इतना मोहलिक जख्म नहीं आया था जो फौरी मौत की वजह बनता। मैंने राजा को बिलाआखिर हाथ बुलंद करके घोड़े से उतरते देखा। इसके नीचे उतरते ही फतेह खान और एक दूसरा शख्स नीचे उतरने लगे। वो ऊपर चट्टानों में छुपे हुए थे। राजा उम्रदराज अपने होंठ काट रहा था। फतेह खान ने कलाशनकोफ उठा रखी थी। इसके साथ ही नियाती बटशाह और ऐमन के हाथ और पांव से रस्सी काट कर इन्हें आजाद करा लिया था। फतेह खान ने अपने साथी से कुछ कहा तो वो इन्हें लेकर ऊपर जाने लगा। राजा उम्रदराज ने दांत पीसकर अपनी जुबान में कुछ कहा तो फतेह खान मुस्कुराने लगा। अब ये भी हमारे साथ जाएगा। फतेह खान ने मेरी तरफ इशारा किया। ये मेरा मेहमान है, इसे हाथ लगाने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। राजा उम्रदराज गुर्राया। हम ये भी कर गुजरेगा। फतेह खान ने राजा की तरफ राइफल सीधी कर ली और उसके अंदाज से लग रहा था कि वो सचमुच राजा उम्रदराज को गोली मार देगा। मैंने जल्दी से मुदाखलत की। एक मिनट फतेह खान, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शहबाज, तुम नहीं जाओगे, राजा जोर से बोला। राजा साहब, आप इस मामले में दखल ना दें, अपनी खुशी से जा रहा हूँ। राजा उम्रदराज ने हैरत से मेरी तरफ देखा। खुशी से? अहमक लड़के, यह तुम्हारा दुश्मन है। मुझे मालूम है, आप मेरी फिक्र ना करें। मैंने लहजा मजीद रूखा कर लिया। आपने इतने दिन मुझे अपने पास रखा, इसका बेहद शुक्रिया। फतेह खान, इसे मत लेकर जाओ, मैं तुम्हारे सारे जुर्म भूल जाऊंगा। मेरा कोई आदमी तुम्हारी तलाश में नहीं जाएगा। राजा ने नर्म लहजे में कहा। हम इसे लेकर जाएगा जिंदा या मुर्दा छोड़कर जाएगा। फतेह खान ने गन का रुख मेरी तरफ कर दिया था। अभी फैसला करो। मैं डर रहा था कि फतेह खान भांडा न फोड़ दे कि मैं इसे साज बाज कर चुका हूं। इस सूरत में राजा उम्रदराज के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती। अगर इसके अजायम मेरे बारे में दुरुस्त होते तो इसे ज्यादा सदमा होता, लेकिन फतेह खान ने बिल्कुल दुरुस्त हरबा इस्तेमाल किया। इस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि फतेह खान मुझे भी ले जाने के लिए इतना बेताब क्यों है। असूलन तो काम निकल जाने के बाद उसको वापस चले जाना चाहिए था। राजा की कैद में मुझ पर क्या गुजरती है इसकी बला से। ठीक है, लेकिन फतेह खान, इसे जरा सा भी नुकसान हुआ
तो मैं दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारा पीछा करूंगा। उमर दराज ने हथियार डाल दिए थे।